आज हम देखेंगे कि चार्वाक दर्शन में किस प्रकार से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही प्रमाण क्यों मानता है और अनुमान को क्यों नहीं मानता। अब इसके पीछे जो चार्वाक ने जो तर्क दिए उन तर्कों की मीमांसा करेंगे। सर्वप्रथम यह देखेंगे कि ज्ञान की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू चार्वाक। चार्वाक ये कह रहा है कि ज्ञान के लिए इंद्रियों का होना आवश्यक है और न केवल इंद्रियों का लेकिन पदार्थ का भी होना आवश्यक है और न केवल पदार्थ का सन्निकर्ष भी आवश्यक है। अर्थात जो तीन बातें हैं जो आवश्यक है वो है सेंस ऑर्गन अर्थात इंद्रियां, ऑब्जेक्ट अर्थात पदार्थ और कांटेक्ट सेंस कांटेक्ट अर्थात सन्निकर्ष। तो मान लो जैसे अगर इंद्रियां हैं और पदार्थ नहीं है तब भी प्रत्यक्ष नहीं बनेगा, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और इंद्रियां और पदार्थ है लेकिन सन्निकर्ष नहीं है, इंद्रियों का पदार्थ के साथ सन्निकर्ष या संयोग नहीं हो रहा है तब भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो चार्वाक कहना यही चाह रहा है कि प्रत्यक्ष तभी बनेगा जब इन तीनों का संयोग हो, इंद्रिय पदार्थ और सन्निकर्ष का, अर्थात तीनों का होना आवश्यक है। अगर केवल आँख है या नाक है या त्वचा है या जीव है या कान है लेकिन पदार्थ नहीं है तो ज्ञान की उत्पत्ति संभव नहीं होगी। और इंद्रियों पदार्थ है लेकिन सन्निकर्ष नहीं है या कांटेक्ट नहीं हो रहा इंद्रियों का पदार्थ के साथ तब भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। चार्वाक ये कहना चाह रहा है कि इन तीनों के संयोग से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब मान लो जैसे कान है, कान ईयर्स सेंसरी ऑर्गन है लेकिन अगर उससे संबंधित पदार्थ नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। कानों ने क्या सुना वह जानकारी नहीं होगी, वह जाना नहीं जा सकता। तो कान के साथ न केवल ध्वनि लेकिन साथ में कान का ध्वनि के साथ संयोग भी आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी से कुछ कह रहा है तो क्योंकि कान का उस ध्वनि के साथ संयोग नहीं होगा तो वो क्या कह रहा है वह व्यक्ति वह जान नहीं पाएंगे। तो इन तीनों का होना आवश्यक है, इंद्रिय पदार्थ और सन्निकर्ष, चार्वाक ये कहना चाह रहा है। और प्रत्यक्ष को ही उसने प्रमाण माना है, वो कहता है कि प्रत्यक्ष में प्रमाणम अर्थात प्रत्यक्ष ही प्रमाण है और एकमात्र प्रमाण है, परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। अब चार्वाक ने अनुमान का खंडन इसलिए किया क्योंकि अनुमान का चार्वाक ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष नहीं होता। अनुमान जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, अनु और मान। अनुमान का अर्थ होता है, अनु का अर्थ होता है पश्चात बाद में, और मान का अर्थ होता है ज्ञान। तो जो ज्ञान बाद में आए वह अनुमान है, अर्थात पश्चातवर्ती ज्ञान को ही अनुमान कहते हैं या पूर्ववर्ती ज्ञान के आधार पे जो पश्चातवर्ती ज्ञान होता है उसे ही अनुमान कहते हैं। अब चार्वाक ये कह रहा है कि अनुमान में प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है और
आकाश में बादल को देखकर जो वर्षा होने का अनुमान किया जाता है, या पहाड़ पर धुआं देखकर आग का अनुमान किया जाता है, चार्वाक ये कहता है कि इस प्रकार के अप्रत्यक्ष ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तो ये जो अप्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, चार्वाक कह रहा है कि ये व्याप्ति पे आधारित है। और व्याप्ति के विषय में चार्वाक ने कहा है कि दो वस्तुओं के बीच में जो आवश्यक और सामान्य संबंध है वह व्याप्ति है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। अब इन दोनों के बीच में हम धुआं को देखकर आग का जो अनुमान करते हैं वो इसी सामान्य संबंध पर आधारित है, एक आवश्यक और सामान्य संबंध जो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। और ये यूनिवर्सल रिलेशन को ही व्याप्ति कहते हैं, एक आवश्यक अनिवार्य नियत संबंध, ये व्याप्ति है। तो चार्वाक का कहना है कि अनुमान को संशय रहित तभी मानेंगे जब व्याप्ति वाक्य बिना संदेह के हो। अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्याप्ति है धूम और अग्नि के बीच में, या व्याप्ति संबंध जो है धूम और अग्नि के बीच में, ये संदेह रहित तभी होगा जब हमने सभी धूमवान स्थानों का निरीक्षण कर लिया हो और उन सभी धूमवान स्थान अग्नियुक्त अगर पाए गए, तब ये व्याप्ति संबंध चार्वाक कह रहा है कि संदेह रहित होगा। लेकिन केवल कुछ स्थानों पर धुएं के साथ आग को देखकर हम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि जहाँ धुआं है वहाँ आग है। चार्वाक ये कह रहा है कि हमने कुछ ही स्थानों का निरीक्षण किया है और उसी सीमित स्थानों के आधार पे हम एक सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि जहाँ धुआं होगा वहाँ आग होगी। फिर दूसरी बात जो चार्वाक कह रहा है कि हमने अगर मान लो सभी स्थानों का निरीक्षण कर लिया और धूमवान वस्तुओं को अग्नियुक्त पाया, तो क्या हमने वर्तमान के अलावा भविष्य में और भूतकाल में भी इन धूमवान वस्तुओं का निरीक्षण किया है? तो इसका जवाब ये होगा कि यह असंभव है। तो प्रत्यक्ष से व्याप्ति वाक्य को प्राप्त करना असंभव है, इसीलिए अनुमान चार्वाक कह रहा है कि अप्रामाणिक है। जो व्याप्ति संबंध है वो दिखाई नहीं देता, चार्वाक ये कह रहा है कि हम जो देखते हैं वो क्या देखते हैं कि एक समय पर धुआं देखेंगे और दूसरे समय पर दूसरे क्षण में हम अग्नि को देखेंगे। तो दो वस्तुएं अलग अलग समय पे दिखाई देती है, धुआं एक समय में दिखाई देगा और अग्नि एक समय पर दिखाई देती है। तो अलग अलग समय पर तो वस्तुएं दिखाई दे रही है, लेकिन उन दोनों वस्तुओं के बीच में जो सामान्य संबंध है वह दिखाई नहीं देता, उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। और क्योंकि उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, इसलिए चार्वाक कह रहा है कि व्याप्ति अप्रामाणिक है। और अनुमान क्योंकि व्याप्ति पर आधारित है इसीलिए अनुमान भी अप्रामाणिक है, और व्याप्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए अनुमान अप्रामाणिक है। अनुमान को हम स्वीकार नहीं कर सकते, अनुमान से जो प्राप्त ज्ञान है वो संदेह रहित नहीं है, ये चार्वाक कह रहा है। निश्चितता, ज्ञान की निश्चितता केवल प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान में है, ये चार्वाक स्थापित करना चाह रहा है। अगला जो विचार है जो चार्वाक समझा रहा है ये है कि चार्वाक दर्शन ने विश्व संबंधी जो विचार दिया
वो चार्वाक कह रहा है कि जो पंचभूत हैं उसमें से चार्वाक केवल चार भूतों की ही सत्ता स्वीकार करता है, अर्थात केवल पृथ्वी जल अग्नि वायु की। आकाश को इसीलिए नहीं मानता क्योंकि आकाश का ज्ञान अनुमान से होता है, आकाश का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। तो चार्वाक ने केवल चार ही भूत माने हैं, पृथ्वी जल वायु और अग्नि। इन भौतिक तत्वों के संयोग से ही चार्वाक कह रहा है कि इस जगत का निर्माण हुआ है। और निर्माण का सीधा सा अर्थ चार्वाक ने जो लिया है वो ये है कि इन चार तत्वों का, इन चार भूतों का संयुक्त होना। और प्रलय से सीधा सा उसका अर्थ है कि इन चारों तत्वों का बिखर जाना। मतलब सृष्टि क्या है, इन चार तत्वों का संयोग है, और प्रलय इन चारों तत्वों का बिखरना, अलग अलग होना, ये प्रलय है। तो चार्वाक ने केवल भूत को ही जगत का आधार माना है और इसके अलावा वह किसी दूसरी सत्ता को स्वीकार नहीं करता। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब जड़ ही सब कुछ है, पदार्थ ही यथार्थ है, तो इसमें चेतना कहाँ से आई। चार्वाक ने एक रूपक दिया है, एक उपमा दी है, जिस प्रकार वो कहता है कि जिस प्रकार पान, कत्था, कसैली और चूने में लाल रंग का अभाव होता है, लेकिन उनको सबको मिलाने से और चबाने से एक लाल रंग का विकास होता है, इसी प्रकार से पृथ्वी जल अग्नि वायु के जो भूत हैं ये आपस में संयुक्त होते हैं तो चेतना, कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है। तो चार्वाक ने इस प्रकार से व्याख्या की है। अब एक और बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि सृष्टि के लिए, निर्माण के लिए एक उपादान कारण की आवश्यकता होती है और निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। लेकिन क्योंकि चार्वाक ये कह रहा है कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है तो निमित्त कारण का प्रश्न ही नहीं उठता, निमित्त की जरूरत ही नहीं है चार्वाक दर्शन में सृष्टि के लिए। और उपादान कारण जो है, चार्वाक ये कह रहा है कि इस विश्व की सृष्टि अपने आप ही होती है क्योंकि इन तत्वों का, इन भूतों का स्वभाव ही है कि ये विश्व का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार विश्व की जो सृष्टि है वो स्वतः ही अपने आप ही हो जाती है। इस मत को स्वभाववाद भी कहते हैं कि जैसे अग्नि का स्वभाव है गर्मी प्रदान करना, या जल का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना, तो वैसे ही चार्वाक ये कह रहे हैं कि इन तत्वों का ही स्वभाव है कि विश्व का निर्माण करना। तो चार्वाक देखेंगे कि वो नेचुरलिस्टिक है, दे आर नेचुरलिस्टिक, स्वभाववादी है और यंत्रवादी भी है कि इस जगत की रचना के पीछे कोई प्रयोजन नहीं है या कोई उद्देश्य नहीं है। तो यंत्र की तरह ये जगत उद्देश्यहीन है। तो चार्वाक ने जगत की व्याख्या एक यंत्रवादी दृष्टिकोण से की है क्योंकि सारी चीज़ें स्वतः ही हो रही है, ये जो भूत हैं ये अपने आप ही स्वतः ही, इनका स्वभाव ही है और जगत की रचना करते हैं, और तो उद्देश्य की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चार्वाक ने ये सारी चीज़ें इस संदर्भ में कही है कि जब ईश्वर नहीं है तो चार्वाक को ये कहना पड़ा कि सृष्टि का निर्माण स्वतः ही होगा और यंत्र जैसे चलता है उसी प्रकार से एक यंत्रवादी दृष्टिकोण उन्होंने दिया है। और एक वस्तुवादी भी है चार्वाक क्योंकि वे जगत की सत्ता को ज्ञाता से अलग मानते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि विश्व का अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र है। तो चार्वाक एक प्रकार से वस्तुवादी भी कहलाएंगे और जड़वादी तो है ही, वो मटेरियलिस्टिक है, पदार्थ यथार्थ है, मैटर एग्जिस्ट और मैटर इज रियल।
आत्मा, ईश्वर और इस प्रकार के जो चीज़ें हैं, स्वर्ग है, नरक है, अभौतिक चीज़ें हैं, अभौतिक तत्व है, उसका अस्तित्व नहीं है, और चेतन शरीर को ही चार्वाक आत्मा मानते हैं। चैतन्य विशिष्टो देह एवं आत्मा, अर्थात चैतन्य विशिष्ट देह को ही चार्वाक ने आत्मा माना है या कहा है। ये आत्मा शरीर है और शरीर ही आत्मा है, इसीलिए क्योंकि शरीर और आत्मा को अभिन्न समझा चार्वाक ने, इसलिए चार्वाक दर्शन को देहात्मवाद भी कहते हैं। जड़वाद के साथ साथ देहात्मवाद भी चार्वाक दर्शन कहलाता है। और ईश्वर के अस्तित्व को चार्वाक स्वीकार नहीं करता, कहता है कि ईश्वर की सत्ता को वो निषेध करते हैं, क्योंकि चार्वाक कहते हैं कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, दयालु है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, तो संसार की अपूर्णताओं को वो दूर क्यों नहीं करता, और संसार में इतने संताप हैं, रोग है, मृत्यु है, तो और ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान भी है, दयालु है, तो इन सारी कठिनाइयों को, कष्टों को, दुखों को ईश्वर दूर क्यों नहीं करता। तो इस प्रकार से चार्वाक कहता है कि ईश्वर के अस्तित्व का विचार तो खंडित होता है, क्योंकि संसार में अशुभ है और दुख है, कष्ट है। चार्वाक ने वेद को भी स्वीकार नहीं किया है, वेद की प्रामाणिकता को चार्वाक नहीं मानता, और ईश्वर है, स्वर्ग है, नरक है, अभौतिक तत्व को चार्वाक नहीं मानता, जो कुछ है वो शरीर ही है। इसीलिए चार्वाक ने काम को ही माना है, धर्म और मोक्ष को चार्वाक नहीं मानता। तो मोक्ष को चार्वाक स्वीकार नहीं करता, मोक्ष का अर्थ है दुखों का अंत, और चार्वाक ये कहता है कि आत्मा नाम की तो सत्ता है ही नहीं, तो मोक्ष कौन प्राप्त करेगा। तो आत्मा के अभाव में मोक्ष का विचार खंडित हो जाता है, और मृत्यु को ही मोक्ष माना है। चार्वाक ये कह रहे हैं कि डेथ इज लिबरेशन, अर्थात मृत्यु ही मोक्ष है। अर्थ और काम को जीवन का लक्ष्य चार्वाक स्वीकार करता है। मनुष्य के जीवन में अर्थ का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और धन कमाने के लिए ही व्यक्ति अलग अलग कार्यों में संलग्न रहता है। परंतु चार्वाक ने ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि अर्थ को चार्वाक जीवन का परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य नहीं मानता। धन केवल एक साधन है, और किसमें? सुख प्राप्ति में। तो धन का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसका मूल्य केवल सुख के साधन के रूप में है। तो चरम लक्ष्य, चरम पुरुषार्थ फिर क्या हो गया? काम हो गया, इच्छाओं की पूर्ति। तो चार्वाक के अनुसार काम की प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, ये ध्यान देने योग्य बात है। तो काम से सीधा सा अर्थ इच्छाओं की तृप्ति, ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो चार्वाक कहना चाह रहा है कि मनुष्य स्वभाव से ही सुख की कामना करता है, यानी वो वही काम करता है जिससे उसे सुख मिले, या उसी वस्तु की ओर अग्रसर होता है जो उसे सुख प्रदान करती है। और अगर वो किसी वस्तु की कामना करता है तो उसका मूल ध्येय, लक्ष्य यही है कि सुख की प्राप्ति हो। तो क्योंकि चार्वाक ने सुख को जीवन का एक अंतिम लक्ष्य माना है, इसीलिए चार्वाक सुखवादी दर्शन है, और शुभ जीवन वही है जिसमें अधिकतम सुख हो और अल्पतम दुख हो, ये चार्वाक कहना चाह रहा है। तो उनका जो विचार है वो यही है कि एक जगह पे तो चार्वाक ये भी कह देते हैं कि सुख के
भोग के लिए अगर कहीं ऋण भी लेना पड़े तो मनुष्य को पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये देखेंगे कि चार्वाक सुखवादी दर्शन के निकट है या सुखवादी ही है, और धर्म और मोक्ष के स्थान पर चार्वाक ने अर्थ और काम को महत्व दिया है। तो चार्वाक का विचार है कि चेतना जो है या चैतन्य जो है, कॉन्शियसनेस, वो भौतिक द्रव्य का ही गुण है। तो अब जो ध्यान देने योग्य बात है कि चार्वाक ने प्रत्यक्ष को तो माना है, लेकिन प्रत्यक्ष भी संदेह रहित नहीं है, क्योंकि ये देखने में है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, परंतु वास्तविकता यह है कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। लेकिन हम देखते ही हैं कि सूर्य घूम रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। फिर चार्वाक दर्शन की जो मीमांसा जो की गई है आलोचकों ने, जो इसके आलोचक हैं इस दर्शन के, वो ये कहते हैं कि सूर्य छोटा दिखाई देता है, परंतु वास्तविकता यह कि वो तो अत्यंत ही विशाल है। तो प्रत्यक्ष भी संदेह रहित नहीं है जैसा चार्वाक मानता है। तो चार्वाक दर्शन का भी विद्वानों ने खंडन किया है इस प्रकार से, प्रत्यक्ष का वो इस प्रकार से खंडन करते हैं। अब क्योंकि चार्वाक ने एक प्रकार से आत्मभोग, सेल्फ इंटेलिजेंस पर ज़्यादा जोर दिया, और क्योंकि उनके आचार शास्त्र में धर्म अधर्म पाप पुण्य ऐसे तत्वों का या मूल्यों का क्योंकि कोई स्थान नहीं है, आत्मसंयम की वो ज़्यादा बात नहीं करते, इसीलिए चार्वाक दर्शन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और इसका पतन का कारण ही यही रहा है कि क्योंकि उन्होंने मूल्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का अपने दर्शन में कोई स्थान उनको नहीं दिया, और केवल इंद्रिय सुख, शारीरिक सुख पर अत्यधिक जोर देने के फलस्वरूप चार्वाक खुद घृणा का विषय हो गया। तो विचार यही है कि जो आलोचकों का ये कहना है कि चार्वाक का सुखवाद दर्शन जो था वो अत्यधिक निंदा का विषय बन गया, और क्योंकि उन्होंने शारीरिक सुख को प्रधानता दी और अन्य जो आध्यात्मिक या मानसिक पक्ष का या आध्यात्मिक मानसिक सुखों का उन्होंने अपने दर्शन में कोई स्थान नहीं दिया, इसीलिए वे धीरे धीरे समाप्ति की ओर चले गए। तो शारीरिक सुख के अलावा भी ऐसे सुख होते हैं जो शारीरिक नहीं होते। एक सन्यासी का सुख अलग प्रकार का होता है और इंद्रिय सुख अलग प्रकार के होते हैं। तो चार्वाक दर्शन या चार्वाकों ने क्योंकि अभौतिक को अपने दर्शन में स्थान नहीं दिया, या ये कह सकते हैं कि मूल्यों का उनके दर्शन में कोई विशेष स्थान नहीं रहा, इसीलिए चार्वाक दर्शन धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो ये एक चार्वाक दर्शन की मीमांसा थी, और अगली कक्षा में अगले दर्शन पर विचार होगा।